नमस्कार साथियों, तो चलिए लेक्चर ए एडिटोरियल हमारा आरसेप से संबंधित फिर से आया है। तो भारत ने आरसेप से अंतिम समय में क्यों बनाई दूरी, तो इसके संपादक हैं ए.के. भट्टाचार्य। चलिए देखते हैं। तो यह बहुत चौंकाने वाली बात थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सोमवार को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसेप व्यापार समझौते में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आरसेप की तीसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक में मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि भारत इसमें शामिल होगा, परंतु अंतिम समय में भारत ने यह कहते हुए इससे दूरी बना ली कि इस नए कारोबारी समझौते की शर्तें भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं। आखिर अंतिम क्षणों में ऐसा क्या हुआ? याद रखिए, 16 देशों की सदस्यता वाले आरसेप को दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी समूह के रूप में परिकल्पित किया गया था। इसमें आसियान के 10 देश तथा उनके साथ मुक्त व्यापार समझौते वाले 6 देश शामिल होने थे, यानी 300 करोड़ लोग। यह दुनिया की आबादी का 45% था। इन देशों का सकल घरेलू उत्पाद 21.3 लाख करोड़ डॉलर और विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 40% है। भारत के बाहर होने के बाद इस समूह की क्षमता में कमी आएगी, लेकिन इसके बावजूद यह दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना रहेगा। भारत के इस निर्णय पर अचंभा स्वाभाविक है। इस सप्ताह के आरंभ में आरसेक शिखर बैठक से पहले सरकार तथा विभिन्न अंशधारक, जिसमें औद्योगिक संगठन, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के धड़े शामिल थे, उनकी यही राय निकल रही थी कि भारत के लिए इस विशाल कारोबारी समूह से बाहर रहने के बजाय भीतर रहना बेहतर होगा। कहा गया कि भीतर रहने से सरकार के पास यह अवसर होगा कि वह नियमों के बनते वक्त अपने हितों के मुताबिक उनमें संशोधन कराए। इतना ही नहीं, आरसेप में शामिल कई देशों ने भी भारत को यह संकेत दिया कि उन्हें भारत का भीतर रहना पसंद आएगा, क्योंकि वह चीन से जैसे रसूखदार देश को नियंत्रित करने में मदद करेगा। देश व्यापार बढ़ाने को लेकर सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के आरसेप में शामिल होने के कई लाभ हैं। यह रिपोर्ट बामुश्किल 10 दिन पहले ही दी गई थी। रिपोर्ट जारी करने के कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दस्तावेज गीता बाइबल कुरान जैसा है। अचानक ऐसा हुआ है कि आरसेप पर देश का रुख एकदम बदल गया। मोदी के बैठक में शामिल होने का इस अचानक के लिए गए निर्णय से सीधा संबंध है। ऐसा कम ही होता है कि कोई शासन अध्यक्ष किसी बैठक शिखर बैठक में शामिल हो या अंतिम समय में उससे नाम वापस ले लें। मोदी ने सोमवार को जो किया उसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 12 देशों के प्रशांत पार समझौते से नाम वापस लेने से की जाएगी, परंतु इन दोनों में अंतर है। ट्रंप ने ऐसी संधि से नाता तोड़ा जिस पर उनके पूर्ववर्ती ने पूर्ववर्ती ने 2016 में हस्ताक्षर किए थे। मोदी ऐसे समझौते पर आगे बढ़ रहे थे जिससे पिछली सरकार ने शुरू किया था। इसे खारिज करने से पहले वह इस हस्ताक्षर करने के करीब पहुंचे थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से देखें तो मोदी इस समझौते से बाहर निकलना उनके लिए झटका माना जाएगा। एक मजबूत नेता समझौता वार्ता में तभी शामिल होता है जब उसे लगे कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सकती है। सवाल यह है कि मोदी जब भारत के हितों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं थे तो वह इस वार्ता में क्यों शामिल हुए? मोदी इस विषय में एक भरोसेमंद वजह देनी होगी। अभी कहा जा रहा है कि भारत आरसेप में शामिल नहीं हुआ क्योंकि सदस्य देश भारत की उस शर्त पर राजी नहीं हुए जिसमें चीन से आयात की सीमा निर्धारित करने, सेवा व्यापार बढ़ाने और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को चीनी बाजार में बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और 2019 को कृषि डेयरी क्षेत्र में शुल्क कटौती का आधार वर्ष बनाने की बात शामिल थी। इनमें से कोई मुद्दा नया नहीं था। भारत सरकार को उम्मीद थी कि इस दिशा में आगे बातचीत से राह निकलेगी,
ऐसे में बैंकॉक में क्या हुआ जो सरकार ने समझौते में शामिल ना होने का निर्णय लिया? क्या आरसेप के सदस्य देश भारत की चिंताओं को तवज्जो नहीं दे रहे थे? क्या यह ऐसा इसलिए था क्योंकि चीन का प्रभाव बढ़ा? क्या भारत की मोल तोल की क्षमता प्रभावित हुई क्योंकि कश्मीर के घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख बदला? इस बात में कोई दम नहीं है कि सरकार ने अपना रुख स्वदेशी जागरण मंच के भारी विरोध के बाद बदला। मंच मुक्त व्यापार का विरोधी और संरक्षणवाद की का हिमायती है। यह भी ये सही नहीं है कि किसानों और औद्योगिक नेताओं के विरोध के कारण सरकार का रुख बदला। तथ्य तो यही है कि स्वदेशी जागरण मंच ने हमेशा आरसेप का विरोध किया। मंच की पहली अनदेखी क्यों हुई? वह अचानक महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसी तरह मोदी के बैंकॉक जाने के कुछ दिन पहले CII ने एक वक्तव्य जारी कर भारत के आरसेप में शामिल होने का समर्थन किया था, परंतु सोमवार को CII ने ही अपना रुख बदला और सरकार के आरसेप से हटने का समर्थन किया। संभव है कि भारत सरकार को बैंकॉक में लगा हो कि उसकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उसने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ने का निर्णय किया हो। आरसेप में शामिल होने से को अमेरिका भारत के चीन के करीबी साझेदारी और चीनी वस्तुओं के नए बाजार के रूप में देख सकता था। इससे चीन पर लगाए उसके प्रतिबंध कम असरदार हों। भारत के आरसेप से बाहर होने से भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापारिक समझौते की राह आसान की। यदि अमेरिका भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता करता है और भारत चीन द्वारा भारतीय वस्तुओं की पहुंच को नकारने का प्रतिरोध करता है तो भारत के आरसेप से बाहर होने की दलील को एक नया आयाम मिलेगा। चलिए तो अब आपको बता दें कि आरसेप में 15 देश बचेंगे भारत के हटने के बाद। चलिए तो ये था महत्वपूर्ण आईटीए।